Hey guys, it's me, your Rose. So guys, आप सब तो शायद जानते ही होंगे मुझे सोशल मीडिया पर कितना सारा पेरेंट सपोर्ट मिला है हमेशा टिकटॉक पर, लाइकी पर एंड स्नैप पर. लेकिन आप सब क्या ये जानते हो कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितना हार्डवर्क किया है, कितना सारे प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है. सो मैं आज आप सबसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाली हूँ टिकटॉक टू स्नैप जानने के बारे में. सबसे पहले टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 2017 में. एंड टिकटॉक में मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुआ था, मुझे टिकटॉक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. एंड मेरी 1 मिलियन टिकटॉक पर फैमिली कंप्लीट हो गया था उस टाइम पर जब टिकटॉक पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का भी 1 मिलियन नहीं हुआ था. देन कुछ दिन बाद 1.2 में मेरी टिकटॉक आईडी फ्रीज हो गया. फिर मेरे फैंस नहीं बढ़ रहे थे टिकटॉक पर फ्रीज होने के बाद, बस फैन डिक्रीज हो रहा था. फिर 6 मंथ बाद मैंने सोचा कि चलो और एक आईडी बना लेती हूँ, क्योंकि अनफ्रीज नहीं होने वाला था वो आईडी ख़राब हो गया था. फिर मैंने और एक आईडी बनाया टिकटॉक पर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 500 के फैंस कंप्लीट हो गया बस दो या तीन मंथ में. देन टिकटॉक पूरी तरह से बैन हो गया इंडिया में. फिर लाइकी के साथ भी मेरी कुछ ऐसा ही हुआ था. लाइकी में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, देन जब 100 के कंप्लीट हुआ था तब मेरी लाइकी आईडी वो आईडी हैक हो गया था. फिर मैंने और एक आईडी बनाया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत 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 ज़्यादा पेरेंट सपोर्ट मिला. 16 मिलियन फैंस कंप्लीट हो गया मेरी लाइकी पर उस आईडी पे. एंड मेरी सारे वीडियोस पॉपुलर पेज में जाता था लाइकी पर. उसके बाद लाइकी भी बैन हो गया इंडिया में. देन मैं बहुत अपसेट हो गई. मैंने सोचा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गया और मैंने सोचा कि अब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहूँगी. फिर मैं मेरे माइंड में आया कि नहीं, इतने लोग जो तेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो तेरे फैंस हैं, जो तेरे साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, उसके लिए तुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ही पड़ेगा. फिर मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी. इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करती थी. उसके बाद मेरी लाइफ में आया स्नैप. एंड उससे भी पहले मैं सोचती थी ये कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. देन ये प्रूव हो गया मेरी लाइफ में स्नैप आकर. स्नैप पर मैंने ज्वाइन किया एंड जस्ट 1 मंथ में मेरे स्नैप पर 3 मिलियन फैंस कंप्लीट हो गया. मुझे स्नैप पर बहुत ज़्यादा पेरेंट सपोर्ट मिला, बहुत फेम मिला, बहुत सारे लोग मुझे जानने लगे. एंड ये प्रूव हो गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. देन स्नैप भी अब बैंड हो गया. फिर भी मैं नहीं ये मानती हूँ कि ये मेरी बैड लक है, क्योंकि मैं बैड लक को मानती ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ गुड लक को मानती हूँ. मैं ये मानती हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अभी शायद इसके पीछे का अच्छा ही हमें नहीं दिख रहा है, कि लेकिन फ्यूचर में ज़रूर दिखेगा. मैं बस ये चाहती हूँ कि आप सब हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे हमेशा सपोर्ट करो. अगर आप सबका साथ रहता है मेरे साथ, तो मैं कोई भी सिचुएशन हो मैं उसे फेस कर सकती हूँ. और प्लीज़ आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है princessrose01. इंस्टाग्राम पर आपसे मैं रील्स में वीडियो अपलोड करूँगी. सो आप सब मेरी वीडियो को मिस नहीं करोगे. स्नैप जाने के बाद आप सब इंस्टाग्राम के रील्स पर मेरी वीडियो देख सकोगे और इंस्टाग्राम पर आप सब मुझसे कनेक्ट भी रह सकोगे. सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. अब से मैं यूट्यूब पर भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँगी. लव यू गाइज. एंड हाँ, थैंक यू सो मच मुझे हमेशा इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए, हमेशा मुझे इतना स्पेशल फील करवाने के लिए. आप सबको नहीं पता है, बट आप सब मेरे लिए बहुत 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 खास हो. आप सब मेरी स्माइल का रीज़न हो. लव यू गाइज, लव यू.